नमस्कार, 7 बज चुके हैं यानी वक्त हो गया है मॉर्निंग ब्रेकिंग का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। मॉर्निंग ब्रेकिंग में हम आपको सुबह सुबह की ताजा तरीन खबरें बताएंगे और साथ ही उन खबरों पे हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रैफिक जुर्माना घटाने वाले राज्यों को दोबारा से सोचने के लिए कहा है। जुर्माना घटाने वाली ज्यादातर बीजेपी सरकारें हैं, इसीलिए गडकरी के तेवर थोड़े नरम भी दिख रहे हैं। नए मोटर व्हीकल कानून पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहले भी कहा था कि कड़ा जुर्माना कमाई के लिए नहीं बल्कि इसलिए लगाया है ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने फिर कहा कि कानून के प्रति लोगों में डर भी रहना चाहिए और सम्मान भी। लोग समझें कि इसमें उन्हीं की सुरक्षा है। और यहाँ पुलिस वाला सिटी बजाता है, अब मुझे बताइए वो भाग जाता है। अब मुझे बताइए कि 30 साल पहले जो 100 रुपए फाइन था, आज की 100 रुपए की 30 साल के बाद क्या कीमत है? और अगर वो ठीक नहीं रखेंगे फाइन तो कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, लोग लाइटली लेंगे, फिर एक्सीडेंट्स होंगे। 30% बोगस लाइसेंसेस है देश में। कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेता, कोई पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं लेता, कोई ओवरलोडिंग करके जा रहा है, फिर वही ट्रक के नीचे लोग कुचले जाते हैं। गडकरी ने तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए गेंद एक बार फिर राज्यों के पाले में डाली है। तमिलनाडु में सड़क दुर्घटनाओं में 28% की कमी आई है। गडकरी ने कहा कि राज्य चाहें तो जुर्माना घटा लें, लेकिन कानून का डर नहीं रहेगा तो क्या सड़क दुर्घटनाएं और मौतें रुकेंगी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल कैरेक्टर है और इसमें भी बहुत से कानून में एक मर्यादा है कि 500 से 5000 अप टू, इसमें कितना रखना ये राज्य सरकार का अधिकार है। दूसरा, जो रेवेन्यू मिलेगा वो राज्य सरकार का है और ये रेवेन्यू कमाने के लिए स्कीम नहीं है। देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की मौतें हो जाती है, 2.5 से 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और 2% GDP कम होता है। ऐसे समय इस देश में जो 18 से 35 वयोगट के 65% युवा लड़के उसमें मर रहे हैं, क्या इनकी जान बचाना हमारे लिए आवश्यक नहीं है? परिवहन मंत्री ने कहा कि उन्होंने कई राज्यों के मुख्य सचिवों को समझाया है, सभी मुख्यमंत्रियों से भी बात करेंगे। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 को केंद्र सरकार बड़ी लंबी कवायद के बाद संसद के पिछले सत्र में दोनों सदनों से पास करा पाई थी। और आपको ये भी बता दें कि पहली खबर केंद्र के मोटर व्हीकल कानून के खिलाफ राज्यों के विद्रोहों की थी, लेकिन गुजरात के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी चालान पर जुर्माना घटा दिया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी गडकरी को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि इतना जुर्माना वसूलना ठीक नहीं, इसे कम करें। नए मोटर व्हीकल एक्ट पर गुजरात के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी बदलाव कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने भी हेलमेट न होने से लेकर लाइसेंस न होने और सिग्नल तोड़ने तक के केंद्र के बनाए हुए सभी प्रावधानों में जुर्माने की रकम घटाकर लगभग आधी कर दी है। मोटर अधिनियम 1988 में संशोधन के फलस्वरूप जो राज्य ने, भारत सरकार ने जो प्रस्तावित किए थे और बाद में भारत सरकार ने कहा कि राज्य अपने स्तर पर इनको राज्य की परिस्थिति के अनुसार देख लें, उसमें हम लोगों ने भी कुछ नियमों में छूट प्रदान की है। वहीं बीजेपी शासित एक और राज्य महाराष्ट्र ने भी साफ कहा कि वो इतना जुर्माना लोगों से नहीं वसूल सकता। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखकर कहा कि फैसले पर पुनर्विचार करें। There are fines prescribed in the new act. Have been increased exorbitantly and have raised a public cry. त्या लोकांचा असंतोष त्यांच्यापर्यंत मी पोहोचवत असून त्यांना अशी विनंती केली आहे की याचा पुनर्विचार करून। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी शिवसेना को लगता है कि जुर्माने से नाराजगी बढ़ी तो वोटों पर असर पड़ेगा। कर्नाटक में सीएम येदियुरप्पा भी जुर्माना घटाने के पक्ष में है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कल फिर कहा कि ये कानून मनमाना है, वो इसे बंगाल में लागू नहीं करेंगी। इससे पहले पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें साफ कर चुकी हैं कि वो नया मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू नहीं करेंगी।